हेलो फ्रेंड्स, मैं लिपिका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लिपिका अपडेट्स पर। अगर आप यहाँ फर्स्ट टाइम हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आज हम बनाएंगे रोहू फिश करी। इसके लिए हमें चाहिए सामग्री: फिश, 2 पेड़े साइज मीडियम अनियन, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 छोटी इलायची। अब हम पहले फिश को मैरिनेट कर लेंगे हल्दी और नमक से। फिश को मैरिनेट करने के बाद हमें हल्दी और नमक को इसे अच्छे से मिला के रखना है 5 से 10 मिनट तक। इसे आप छोड़ दे 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद गरम तेल में इसे फ्राई कर लें। जब आप फिश को ऑयल में डालें तो थोड़ा ध्यान से डालें। अब हमारा फिश फ्राई हो चुका है। अब उसी सेम ऑयल में हमें 2 बड़े साइज के आलू को फ्राई कर रही हूँ। आलू टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको आपके करी में आलू चाहिए तो आप डाल सकते हैं, वरना आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। मुझे पर्सनली अपने फिश करी में आलू बहुत पसंद है, इसलिए मैंने डाला है। आपको नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हैं। अब देखिए, आलू गोल्डन फ्राई हो चुका है तो हम उसे निकाल लेंगे। आलू हमारा तैयार हो गया। उसके बाद उसी सेम तेल में हम और थोड़ा सरसों का तेल देंगे। आप चाहे तो नॉर्मल कोई भी वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें अनियन डाल देंगे क्योंकि हमारा तेल गर्म हो चुका है। अनियन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और अनियन का जो कच्चा स्मेल है वो निकल ना जाए। उसमें हम थोड़ा सा नमक दे रहे हैं ताकि अनियन जो है अच्छे से पानी छोड़ दे और अच्छे से कुक हो जाए। अब हम लोग डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि उसका जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाए। 2 हरी मिर्च हमने डाल दिया। उसके बाद 1 इलायची हमने डाल दिया। 2 से 3 मिनट तक ऐसे हमें मसाले को फ्राई करते रहना है। जब आप ये फ्राई कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि मसाला जो है आपके कढ़ाई के नीचे ना लग जाए, क्योंकि ऐसा अगर हुआ तो आपका जो मसाला है वो जलने का चांसेस रह जाता है। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। दो से तीन मिनट के बाद ये हमारा मसाला ऐसे अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर हमने लिया हुआ है 1 बड़ा टमाटर। अगर आपके पास छोटा है तो 2 ले सकते हैं। अब टमाटर को भी सॉफ्ट होने तक इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये जो फ्राई होके टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब इसमें डालिए 1 पिंच ऑफ हल्दी। पिंच नहीं, 1 टीस्पून ऑफ हल्दी। एक टीस्पून ऑफ रेड चिली। जब आप ये पाउडर मसाले डालें तो आंच को थोड़ा धीमा रखें। ये हमने डाला धनिया पाउडर, क्योंकि क्या होता है कि हम जब पाउडर मसाले डालते हैं, अगर आपका आंच अगर बहुत ज़्यादा हो तो मसाले जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप थोड़ा धीमा आंच करके डालिए और मसाले को भून लीजिए। अब टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है तो हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल रहे हैं। बस थोड़ा सा डालिए जब तक कि टमाटर पूरा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। इसलिए हमने पानी डाला क्योंकि हमने जो पाउडर मसाले दिए हैं वो नीचे ना लग जाए, इसलिए हमने पानी डाला। अब आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से मुशीशा होकर ग्रेवी बन गया है। हम इस ग्रेवी को अच्छे से चला लेंगे
अब हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल रहे हैं, बस थोड़ा सा पिंच ऑफ गरम मसाला। हमें ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि गरम मसाला बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग होता है। अगर आप गरम मसाला ज़्यादा डाल देंगे करी में तो सिर्फ गरम मसाले का ही स्मेल आएगा। अब हम इसमें आलू डाल रहे हैं। आलू को अच्छे से मसाले से कोट करना है। अगर आप आलू नहीं डाल रहे हैं तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। अब आलू अच्छे से मसाले में कोट हो गया है तो हम उसमें करीबन एक कप तक पानी दे रहे हैं। आप चाहें अगर आपको पूरी सूखी सूखी वाली ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें एक कप की जगह हाफ कप दे सकते हैं। अब इसमें अच्छे से उबाल आने दें। अब हम इसमें फिश डाल रहे हैं। ध्यान रहे जब आप फिश डाल रहे हैं, फिश डालने के बाद ग्रेवी को ज्यादा ना पकाएं, मतलब 5 से 10 मिनट तक पकाएं पर उससे ज्यादा ना पकाएं, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा फिश टूट जाएगा, ज्यादा बॉयल हो जाएगा जो कि टेस्ट अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी फिश को फ्राई किया हुआ है। अब हमारा करी रेडी है। 5 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं। ट्राई कीजिए ये यम्मी रेसिपी अपने घर में।